सिर्फ और सिर्फ यार एनिमे नहीं है, वो इमोशन है हम सभी को के फेंस के लिए। लेकिन एस का इमोशन हम नहीं बल्कि उसके फादर है। उसके फादर के बारे में हमको काफी कम दिखाया गया, कम बताया गया, इन्फॉर्मेशन काफी कम है, लेकिन थोड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन हमको पता है। सबसे पहले एस के फादर बचपन में निकले थे, कभी लौट कर नहीं आए। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, वो सक्सेसफुल बन गए, वो इतने ज्यादा पावरफुल बन गए कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो कभी सामने नहीं आए। लेकिन दूसरा थोड़ा डार्क है कि यार वो कभी पोकेमोन मास्टर बन ही नहीं पाए और यार इसके कारण वो शर्मिंदा हो गए। वो कभी अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते थे पहले टाउन के वासी को, बिकॉज यार वो इतना पावरफुल ट्रेनर कभी बन ही नहीं पाए। और एक और बोनस में तुम्हें बता देता है, ऐसा भी हो सकता है कि यार इसके फादर दुनिया को बचाते बचाते खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हो, डेथ स्वाई वो कभी लौट कर नहीं आए और एस को उसके मॉम को पता ही नहीं है कि उनके डैड अभी इस दुनिया में नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, लेकिन अगर सुनने में जाए थोड़ा सेंसिबल लगता है, बिकॉज एस कैसे भी